Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्टबुक। टेस्टबुक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई सभी लोग? फटाफट से इंडियन नेवी डबल ए और डबल एस वाले फटाफट से जुड़ जाओ, ठीक है? बता दो एक बार, ऑडिबल है, विजिबल है सभी लोगों को? आज स्टार्ट करेंगे भाई। हाँ हाँ जी, फटाफट से जुड़ जाओ लोगों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन अवार्ड से आना ही आना है। इंडियन नेवी का जो एग्जाम है, अवार्ड एंड ऑनर से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे के सारे पिक कर ले। वो यहाँ पे आपको पता है कि डेली हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम कितना सारे डिटेल डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, रितिका, आयशा, प्रियंका, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से शेयर कर दो एक बार, ठीक है? और ताकि सभी लोग जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो भी है आपके, सब में शेयर कर दो। आज बड़ा मजा आने वाला है। स्पोर्ट्स और जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी अवार्ड होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, नॉर्मल प्राइज वगैरह हर चीज को यहाँ डिस्कशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी गवर्नमेंट कौन सा अवार्ड देती है, उसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी संजीव, आ जाओ, ठीक है? तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बेसिक होते हैं वो भी लिए हैं और जो हाई लेवल के होते हैं वो भी लिए हैं, दोनों तरह का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? चलो जी, पहला क्वेश्चन है आपके पास, रफी अहमद किदवाई अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। देखो पहला ही क्वेश्चन देखो आप कितना खतरनाक सा है। यहाँ पे रफी अहमद किदवाई पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट्स में, मेडिकल साइंस में या सिनेमा में? चार आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है ये, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो बंदा फंस जाता है स्टूडेंट कि अब क्या करेंगे, तो पढ़ा नहीं था। तो इसके लिए हम यहाँ पे, मैं आपके लिए सारे सेशन में मैंने ऐड कर दिया, मुश्किल से मुश्किल भी, टफ से टफ भी। ट्राई कर लो एक बार, गलत जाएगा तो क्या, फिर दोबारा ठीक कर लेंगे। अगर गलत गया तो एक बार ट्राई तो करो एटलीस्ट। हाँ जी भाई, राजू चौहान फोर्थ बता रहे हैं, ठीक है? नहीं, चलो हाँ जी, हाँ तो एक ने फोर बोल दिया तो सभी फोर बोलेंगे, अब तुक्का उसके पीछे लगाएंगे। चलो ऑप्शन नंबर ए जो है एग्रीकल्चर, वो सही है इसका। एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर, ठीक है? कृषि के लिए दिया जाता है ये, कृषि के लिए। तो डॉक्टर वर्षने को दिया गया था ये इस बार जो है, वर्षने को, ठीक है? क्रॉप साइंस के लिए दिया गया था इनको, क्रॉप साइंस के। और अगर मैं बात करूं खेल का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो कौन सा होता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न होता है। राजीव गांधी खेल रत्न जो होता है, पांच लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है इस बार। पांचों के पांचों नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सबसे पहला रोहित शर्मा, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा शतक लगाए थे उन्होंने, सबको पता है, ठीक है? सेकंड आपको याद रखना है, रोहित शर्मा के बारे में सब जानते हैं, स्पोर्ट्स से क्रिकेट खेलते हैं, हाँ स्पोर्ट्स में राजीव गांधी खेल रत्न। सेकंड आपको याद रखना है रॉनी रामपाल, ठीक है, हॉकी खेलती हैं ये जी। नेक्स्ट है आपका थर्ड मनिका बत्रा, इनको मिला था यहाँ पे, ठीक है? फोर्थ आप याद रखेंगे, फोर्थ यहाँ पे विनेश फोगाट, ठीक है? और लास्ट में आप लोग सभी लोग याद रखेंगे एम थंगावेलु, ठीक है? ये एम थंगावेलु जो है पैरा एथलीट है, विनेश फोगाट जो है ये रेसलिंग करती हैं आपके, ठीक है, कुश्ती वगैरह, और मनिका बत्रा जो है ये आपका टीटी खेलती है टेबल टेनिस, और रानी रामपाल हॉकी, और रोहित शर्मा का सबको पता है क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? चिकित्सा के लिए भी एक अवार्ड जो है काफी फेमस है, बीसी रॉय अवार्ड जो है, और धनवंतरी अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है? सिनेमा के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट अवार्ड कौन सा हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है? फटाफट से जुड़ जाओ भाई, शेयर वगैरह कर दो, लोग कम आए आज, ठीक है? साहेब फाल्के, किसी को पता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? हाँ जी बताओ भाई, हाँ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो भाई, क्या बता रहे हैं? एमपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है 153 सेंटीमीटर हाइट है। सोनम आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में ज्यादा। हाँ जी दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, किसको पता है? बिल्कुल सही है, शारदा प्रीति, ठीक है?
हाँ नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, नहीं तो फिर मैं कल कंफर्म करके आपको बता दूंगा। रजनीकांत जी को मिला है, रजनीकांत को, ठीक है, रजनी बाबा को इस बार का, ठीक है 2020 का। और लास्ट टाइम जो है मतलब मिला था अमिताभ बच्चन को, ठीक है। हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, हु इज द रिसिपिएंट फर्स्ट प्रोफेसर पीती महल नोबिस। पीती महल नोबिस कौन है? फादर ऑफ स्टैटिक्स जो है, बहुत सांख्यिकी में इन्होंने बहुत योगदान दिया हमारे लिए। और पंचवर्षीय योजना जो है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो इनके मॉडल पे थी। तो ऑफिशियल जो स्टैटिक्स के थे फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, ये फर्स्ट बार किसको मिला है, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ ये अवार्ड जो है, किसको मिला है? आरबीआई के गवर्नर कौन से हैं? डॉक्टर डी सुब्बाराव, ठीक है, या नरसिम्हा, या फिर बिमल जलान, या सी रंगराजन, बताओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिला है पीती महल नोबिस अवार्ड जो है, फर्स्ट बार किसको मिला है ये बुक बताना है जी। बताएं भाई, प्रीति, प्रियंका, हाँ जी ठीक है, आप लोगों के सी रंगराजन बिल्कुल ठीक है, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी रंगराजन, ठीक। ये हमारे 19th गवर्नर थे, आरबीआई के 19th गवर्नर थे, 1992 से लेकर 97 तक इनका टाइम पीरियड था। अभी तो आप सभी को पता है शक्तिकांत दास है गवर्नर, ठीक है, शक्तिकांत दास। किसी को ये पता है कि पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? कोई बता सकता है? ये 25th गवर्नर है अभी तो फिलहाल। किसी को पता है फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे? आरबीआई गवर्नर बहुत बढ़िया, ओसबोर्न स्मिथ फर्स्ट वाले थे, ठीक है। और अगर फर्स्ट इंडियन की बात करूं, फर्स्ट इंडियन तो याद रखना सीडी देशमुख इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, फर्स्ट वाले जो थे सीडी देशमुख थे इंडियन। नेक्स्ट बात करते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट जिमनास्ट टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जिमनास्ट कौन थे? अनंतराम, अरुणा रेड्डी, आशीष कुमार, या दीपा कर्माकर? बहुत फेमस है, सबका सही जाना चाहिए आंसर। हाँ जी अमोल आ चुके हैं क्लास में हमारे, कैसे हैं भाई सभी लोग, फटाफट से जुड़ जाओ, ठीक है। हाँ लाइक तो आप कर देते हो, शेयर नहीं करते, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके, सही है जितने बताए अभी तक। हाँ जी ऑप्शन नंबर डी आपका दीपा कर्माकर इज द राइट आंसर, सही है आपने जितने भी आंसर दिया। तो जो आंसर देते हैं अच्छी बात है, जो नहीं देते वो भी पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभम ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉन नोबल प्राइज, ठीक है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं किसको नोबल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं, ठीक है, किसने जीता है इसमें बताना है आपको, कौन जीत चुके हैं? अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा, वॉशिंगटन, या बिल क्लिंटन? हाँ जी शुभम आप भी आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है लेट हो गया थोड़ा सा, बताओ भाई इनमें से किसको मिला है? चार प्रेसिडेंट को मिला है अभी तक, चार अमेरिका के, ठीक है, रूजवेल्ट के बाद जो है आपका किस किस को मिला है? जिमी कार्टर को मिल चुका है। हाँ जी तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा, जॉर्ज वॉशिंगटन, या फिर क्या हो जाएगा? बराक ओबामा इज द राइट आंसर बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन अवार्ड स्पोर्ट्स, खेलों की उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जमनालाल बजाज, अर्जुना अवार्ड, टैगोर अवार्ड, या मूर्ति देवी अवार्ड, बताओ भाई। बताओ भाई अवार्ड। हाँ मीनाक्षी इतना टाइम नहीं है, ठीक है बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुना अवार्ड जो है इज द राइट आंसर, ठीक है बिल्कुल सही है। जमुना लाल बजाज अवार्ड जो है ये आपका ये सोशल सर्विस में दिया जाता है, ठीक है बिल्कुल। और टैगोर अवार्ड जो ये कल्चरल हारमोनी के लिए दिया जाता है। और एक टैगोर अवार्ड और भी होता है, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, लिटरेचर का अवार्ड जो होता है, ठीक है, टैगोर लिटरेचर जो अवार्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हैज बीन नेम्ड ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, इन पोल कंडक्टेड बाय बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन। इसमें क्या हुआ था, एक पोल कंडक्ट हुआ था
उसमें वर्ल्ड के काफी सारे लीडर को लिया गया था, ठीक है, अकबर वगैरह को भी लिया गया था मुगल्स में से, तो इनको भी लिया गया था, महाराजा रंजीत सिंह, ये विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, इनमें से किसको गया था? आप बताओ, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ जी, गैस ठीक कर रहे हैं अमूल, चलो शेयर वगैरह कर दिया करो भाई सभी, एटलीस्ट जितने स्टूडेंट हो आप उतना तो शेयर कर दिया करो, अगर कर सकते हो एक आध जगह टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे इस पोल में जीत गए थे, इनको काफी ज्यादा 38% मिले थे, जो कि बहुत ज्यादा था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना, अगला क्या है, संघमित्रा कलिता हैज बीन ऑनर्ड ऑफ विच अवार्ड रिसेंटली, संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है, पुलित्ज़र, बुकर अवार्ड, ज्ञानपीठ या फिर द लीजन ऑफ ऑनर, द लीजन ऑफ ऑनर, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुकर अवार्ड या पुलित्ज़र, किसका मिला है बताना है आपको, संघमित्रा कलिता को कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो एक हिंट मैं दे देता हूँ, जर्नलिज्म के लिए अवार्ड होता है, ठीक है, जर्नलिज्म के लिए अवार्ड होता है, अमेरिकन जर्नलिज्म के लिए, आप तो बता दो, अब तो हिंट भी दे दिया। हाँ जी, सही नहीं आया किसी का भी, ठीक है, पुलित्ज़र अवार्ड मिला है इनको संघमित्रा कलिता, ठीक है, और बुकर्स अवार्ड जो मिला है, बुकर्स अवार्ड, ये शगी बेन के लिए मिला है, शगी बेन, ठीक है, डगलस स्टुअर्ट को मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये संजय सूरी, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पूछ लूंगा, संजय सूरी नाम तो सुना होगा, ठीक है, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार का, संजय सूरी। और बुकर प्राइज का भी इंपॉर्टेंट है, शगी बेन के लिए डगलस स्टुअर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, व्हाट अमाउंट इज गिवन विद द अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, ये राजस्थान की सरकार देती है अंबेडकर महिला पुरस्कार, जो है एक एप्लीकेशन के तो बनाया था महिलाओं के लिए, ठीक है, जिसमें जो है कुछ प्राइज दिया जाता है महिलाओं को राजस्थान में, ठीक है, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 51,000 या 21,000, बताओ भाई। अच्छा, बता भी रहे हो और कह रहे हो पता भी नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई, किस चीज जो भी बता रहे हो, हाँ अमोल ठीक है, आप 51,000 दिए जाते हैं, ठीक है, इस अवार्ड के लिए 51,000। चलो अगले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे भाई सभी लोग। अच्छा ये क्वेश्चन देखो कैसा है, द मेडल ऑफ भारत रत्न जो है, भारत रत्न का जो मेडल होता है वो किसका डिजाइन होता है, उसकी जो लीफ होती, मतलब जो है कौन सी लीफ का डिजाइन है उसमें, बरगद की लीफ है, पीपल की, ठीक है, चंदन की या फिर बनाना, सैंडलवुड, बनाना, पीपल या बनियन, बताओ, सबको पता होगा, कोई गलत करेगा नहीं, मुझे पता है, सबसे उम्मीद है मुझे, ठीक है। हाँ जी, अमोल, गोविंदा, प्रीति, रीता, सबका ठीक है, पीपल की पत्ती सी होती है वो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत रत्न जो अवार्ड, भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ था, 1954 से स्टार्ट हुआ था, 1954 से, अभी आगे डिस्कशन करेंगे भारत रत्न के बारे में काफी सारा, ठीक है। चलो हाईएस्ट ऑनर होता है हमारा। चलो ये बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज अवार्डेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन द रिसेंटली कंक्लूडेड 51st IFFI 2021, ये बताना है आपको, जो हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार हुए थे उसमें से किसको मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास, इनटू द डार्कनेस, द साइलेंट फॉरेस्ट, आई नेवर क्राई या फिर वैलेंटाइन, बताओ। हाँ जी, ये वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के एपिक के ऊपर है, वर्ल्ड वॉर टू के एपिक के ऊपर ये जो है बनाई गई है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर जिनका ए है, इनटू द डार्कनेस, फेमस है ये गोल्डन पीकॉक के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी गलत मत कर देना, ठीक है, सब लोग याद रखना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है अगर आपने देखी है, ठीक है। ये बताना आपको, संत कबीर अवार्ड जो है किस फील्ड की एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, संत कबीर अवार्ड, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, लिटरेचर, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कल्चर एंड हेरिटेज। चलो अब की बार बताओ भाई सभी स्टूडेंट, तो संत कबीर अवार्ड जो जाता है आपको किस फील्ड में दिया जाता है, क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है, हु Among the following has won Nobel Prize in Literature. लिटरेचर में कौन किसने जीता है, ठीक है, रिचर्ड सीकेन, जोरी ग्राहम,
शेरोन ओट्स या लुइस ग्लोब, बताओ। हाँ जी, नोबेल प्राइज तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, नोबेल प्राइज। ठीक है, जैसे अगर मैं बता दूं आपको थोड़ा बहुत, पीस प्राइज जो है इसमें, पीस प्राइज आपका, ठीक है, पीस प्राइज जो है आपको किसको मिला है, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, और अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, लिटरेचर में तो ऑप्शन नंबर डी जो है लुइस ग्लू, ठीक है, लुइस ग्लू। इकोनॉमिक्स का कोई बता पाएगा, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का किसको मिला है नोबेल प्राइज में, इकोनॉमिक्स किसको मिला था 2020 में, कोई बता पाएगा यहाँ पे? रिफ्रेश कर लो, याद तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इकोनॉमिक्स का जो आपका मिला था रॉबर्ट विल्सन को और पॉल मिलग्रोम, पॉल मिलग्रोम, ठीक है, पॉल मिलग्रोम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन जनवरी 2020 हु अमंग द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर वाज कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो मिला था। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ऑप्शन देख के याद आती है हमें, कुछ चीजें याद होती है मगर जो है आती नहीं है वो, मगर बाद में याद आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। किरण मजुमदार, शाह, रतन टाटा, शिव नजार, गौतम अडानी, अब बताओ आप ऑस्ट्रेलियन का हाईएस्ट ऑनर किसने मिला जी, बताएं भाई। ऑप्शन नंबर ए किरण मजुमदार इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही। रतन टाटा को भी एक मुंबई में फंक्शन हुआ था जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, शाइनिंग स्टार, CBR शाइनिंग स्टार करके एक अवार्ड है, शाइनिंग स्टार, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिला था रतन टाटा को। आगे देखते हैं तुलसी अवार्ड जो है, तुलसी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, तुलसी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पोएट्री, लिटरेचर, म्यूजिक या फोक डांस, बताना है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि तुलसी अवार्ड जो है कहाँ की गवर्नमेंट देती है, तो ये आपकी जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ जी, बताएं भाई सभी के सभी स्टूडेंट, हाँ जस्ट अ सेकंड, बताएं भाई तुलसी अवार्ड जो है, तो ये फॉक मेरे आता, फॉक आर्ट्स, ठीक है, तुलसी अवार्ड जो, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका है रोमेश पठानिया कन्फर्ड विद द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, ये काफी फेमस पर्सनैलिटी है रोमेश पठानिया। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, रोमेश पठानिया को द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, किसके कोच है आपको बताना है, कोच को मिलता है, ठीक है, बॉक्सिंग के, आर्चरी के, तीरंदाजी के, हॉकी के या टेनिस के, बताओ भाई किसके कोच है ये रोमेश पठानिया जो, काफी फेमस पर्सनैलिटी है, बताओ भाई। निशांत का, ठीक है, बिल्कुल निशांत का, ठीक है, निशांत ने गलत कर दिया अभी फिर, ठीक है। हाँ जी, तो द्रोणाचार्य जो अवार्ड है आपका, ये रोमेश पठानिया को जो मिला था, ये हॉकी के कोच है, हॉकी के, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, हॉकी के कोच है, हॉकी के, समझ आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि ईद आने वाली है, कल ईद है, सभी को मुबारक, और बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है सभी के लिए स्पेशल का, 299 का ये पास है, मॉक टेस्ट में मिलते हैं आपको 17,000 से ऊपर, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो काफी मॉक टेस्ट हैं आपके लिए, 299 का ये पास है, आप देख सकते हैं, ज्यादा जानकारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, और जिसने परचेज नहीं किया वो कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, रामनाथ गोयनका अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर विच फील्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है किस क्षेत्र में प्रदान होता है, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी या जर्नलिज्म, आपको यह बताना है रामनाथ गोयनका अवार्ड। और मैं बता दूं आपको, इस बार का जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है ये निधि वर्मा को मिला है,
ठीक है, हाँ बताएं भाई सभी। बिल्कुल सही है आपका, जर्नलिज्म में मिलता है अवार्ड। ठीक है, अमोल का ठीक है, प्रीति का ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको मिला था? फरवरी 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो अभी आपने बताया था रजनीकांत को मिला था, उसमें बेस्ट एक्टर जो अवार्ड था, बेस्ट एक्टर कैटेगरीज होती है उसमें दादा साहेब फाल्के में, तो बेस्ट आपको एक्टर का अवार्ड जो है इसमें से किसको मिला था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का? अक्षय कुमार, सलमान खान, ऋतिक रोशन या अमिताभ बच्चन, बताओ। बिल्कुल अक्षय कुमार इज द राइट आंसर। एक्टर के लिए अक्षय कुमार को मिला था, ठीक है। और अगर फीम एक्ट्रेसेस की बात करूं तो दीपिका पादुकोण को मिला था, दीपिका पादुकोण को। और अगर बेस्ट मूवी की बात करूं, मूवी की, तो तानाजी को मिला था, तानाजी को। और बेस्ट इंटरनेशनल मूवी की बात करूं, बेस्ट इंटरनेशनल मूवी, तो ये भी आपको अजना पैरासाइट, ठीक है। पीडीएफ सेंड नहीं की, मिल जाएगी, हाँ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा पीडीएफ कहां से मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ अपलोडेड है, नहीं मिली मैं बता दूंगा आपको अभी लास्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, पहले क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रॉम विच फील्ड गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड इज रिलेटेड, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार? खेल से, ठीक है, बेस्ट सोशल सर्विस से, समाज सेवा से, संगीत यानी म्यूजिक से, या जर्नलिज्म से, ये आपको बताना है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किससे संबंधित है? हाँ जी, तो बिल्कुल आंसर आ चुके हैं यहाँ पे कई सारे, मगर ऑप्शन जो है आपका डी सही है, ठीक है, क्योंकि एक ने दो बोल दिया तो सब बी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पत्रकारिता इज द राइट आंसर, जर्नलिज्म, ठीक है। हाँ जी मनीष, सही है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र के ऊपर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बारे में क्या सही है? इट इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, ठीक है, सबसे ऊंचा है ये, भारत का सर्वोच्च अलंकरण है। उसके बाद यह शांति समय के दौरान वीरता के कृत्य को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है, शांति के समय दिया जाता है क्या? यह दोनों ए और बी या कोई भी नहीं, बताओ, बताओ भाई सभी के सर नाम। हाँ बहुत अच्छा नाम है आपका, आई एम इंडियन, बहुत प्यारा लगा, ठीक है, सही है आपका आंसर। ये जो है पीस के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है, ये तो गैलेंट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ ये सबका सही जाना चाहिए भाई, ट्यूरिंग अवार्ड, ट्यूरिंग जानते हो ना एलन ट्यूरिंग को, किससे रिलेटेड है ये, कौन से फील्ड से? टूरिज्म, सिनेमा, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और आर्ट से। एलन ट्यूरिंग को सब जानते हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं जाना चाहिए आपका, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस सबको पता है। नेक्स्ट है आपका सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑन हिज वर्क, कौन से काम के लिए इनको मिला था? ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक्टिवेशन सक्रियता के लिए, चुंबक के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है, या फिर न्यूट्रिनो दोलन के लिए, ऑसिलेशंस के लिए, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, ये बताना आप। हाँ जी बताओ भाई। अच्छा एक काम कर देना सभी स्टूडेंट जो है जो लाइव हो अभी, लाइक जरूर कर देना, एक बार लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बस हल्का सा आपको क्लिक करना होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है उस चीज से, ठीक है। हाँ तो सीवी रमन जो है सेकंड है, ये सेकंड इनको 1930 में मिला था, 1930 में मिला था नोबेल प्राइज। तो फर्स्ट टाइम तो किसको मिला था, फर्स्ट नोबेल जो इंडिया का, वो 1913 में मिला था, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है। और जो सीवी रमन थे इनको 1930 में मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी हाँ, अभी मैं बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, अभी आप क्वेश्चन पे फोकस करो, डिसेंट रॉक, ठीक है, मैं बता दूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं। आप बताओ नवनाथन पिल्लई जो है वो किससे अभी उनको नवाजा गया, किस पुरस्कार से, ठीक है, हैज बीन ऑनर्ड विद विच अवार्ड, बुकर्स, पुलित्जर, ऑस्कर या फिर लीजन ऑफ ऑनर, बताओ भाई नवनाथन पिल्लई को कौन सा अवार्ड,
बताओ सभी के सभी जो लाइव है सभी बताओ। हाँ जी बताएं। बिल्कुल सही है आपकी बार। हाँ गोविंदा ठीक है आपकी बार, ठीक है। द रीजन ऑफ ऑनर के लिए मिला है, बुकर के लिए मैंने आपको बता दिया था, बुकर के लिए ठीक है, शगी बहन के लिए मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं अगली। गौरी लंकेश इज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू विन विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। गौरी शंकर जो है, गौरी लंकेश जो है पहली भारतीय बनी है, कौन सा अवार्ड जीता इन्होंने, ठीक है। पुलित्जर, अन्ना, पोलित को हो सक्या, लिविंग स्टोन या फिर गोल्डन पियर, बताओ बताओ। पुलित्जर तो पहले जीत चुके हैं तो इसलिए ये नहीं होगा। आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, इन तीनों में से आपको बताना है। हाँ जी बिल्कुल सही है, पावरफुल पावरफुल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है, बताना आपको पुलित्जर प्राइज जो है कौन जीते हैं, फर्स्ट इंडियन टू हैव वन पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय जो, गोविंद बिहारी लाल, गीता आनंद, संगमित्रा कलिता, ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी। ये तो सबका जाना चाहिए एक बार। बफरिंग नहीं हो रही क्योंकि मैं आप देख रहा हूँ यहाँ पे वीडियो, मैं आपके जो कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बफरिंग वगैरह नहीं हो रही, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कमेंट, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, गोविंद बिहारी लाल को अवार्ड मिला है, जिसने भी ए बोला है सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सबका सही जाना चाहिए, बहुत ये पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इम्पोर्टेंट भी है। यूके हैज इशूड ब्लैक होल कॉइन्स टू ऑनर विच साइंटिस्ट। ब्लैक होल कॉइन चलाया है एक, कौन से साइंटिस्ट के लिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्टीफन हॉकिंग, लॉर्ड केल्विन या फिर जिम पीबल्स, सबको मैं मोस्टली पता होगा। ब्लैक होल अगर आ गया तो ब्लैक होल के लिए कौन से साइंटिस्ट फेमस थे, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना जानते होंगे, स्टीफन हॉकिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, संजय सूरी को, ठीक है, मेडिसिन, सोशल वर्क, लिटरेचर या सिनेमा, किसके लिए दिया जाता है, सबका ठीक है, कोई गलत वाली बात ही नहीं है, ठीक। हाँ लिटरेचर का है, बिल्कुल ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे प्रमुख या सबसे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड कौन सा माना जाता है, ज्ञानपीठ, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है। तो डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है भारत रत्न है, चलो ये तो आप लोगों को पता है, भारत रत्न के बारे में आप डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 1954 से स्टार्ट हुआ था ये, तो 54 में जो है ये तीन लोगों को मिला था सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तीन लोगों को मिला था, सी राजा गोपालाचारी, गोपालाचारी ठीक है, राधा कृष्ण सर्वपल्ली, ठीक है, और थर्ड किसको मिला था आपका बताएं, थर्ड सीवी रमन, ठीक है। 2019 में जो है ये भारत रत्न किस किस को मिला था, ये भी तीन लोगों को मिला था, ठीक है, प्रणब मुखर्जी को, ठीक है, और नानाजी देशमुख को, और थर्ड किसको मिला था, ये भूपेन हजारिका को, तो ये सबको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपको बताना है, सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा ऑनर का अवार्ड आता है, ठीक है। भारत रत्न तो फर्स्ट हो गया, इसको तो हटा दो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या नन ऑफ द अबव, बताओ भाई कौन सा होता है। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पद्म विभूषण होता है, पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री, ठीक है। और ये 94 से स्टार्ट हुआ, 1954 से, सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रिचर्ड ऑक्सिन अवार्ड। रिचर्ड ऑक्सिन अवार्ड जो है ये सेकुलरिज्म के ऊपर दिया जाता है,
सेकुलरिज्म के ऊपर और रेशनलाइजेशन के ऊपर दिया जाता है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षतावाद के बातें जो करते हैं उनके ऊपर दिया जाता है, गुलजार, जावेद अख्तर, परसून जोशी या फिर नसीरुद्दीन शाह, किसको मिला, ठीक है, सेकुलरिज्म के ऊपर अवार्ड दिया था, याद रखना आपको रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड जो है, ठीक है। हाँ जी बताएं, कमेंट देख रहा हूं मैं, जावेद चाचू ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, जावेद अख्तर को मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आर गिवन फॉर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है, किस लिए, एक किल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ जी देखिए, भारतीय भाषाओं में रचनात्मक लेखन में नए आयाम तलाशने के लिए, विज्ञान के लिए उत्कर्ष योगदान के लिए, ठीक है, पर्यावरण के मुद्दे को व्यापक जागरूक करने के लिए, या फिर फिल्म प्रदर्शन के लिए। हाँ जी, तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है बहुत ही उम्मीद के साथ जिन्होंने दो बोला है सही आंसर है, साइंस के लिए आया था ये, विज्ञान के उत्कर्ष योगदान के लिए, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, तो सब लोगों को याद रखना है, ठीक है, चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली टू चिल्ड्रन ऑन द ईव ऑफ, कब दिए जाते हैं भैया, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या और जो पुरस्कार है वो कब दिए जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, चिल्ड्रन डे पे या फिर गांधी जयंती पे, मोस्टली अवार्ड आपको पता है किस दिन दिए जाते हैं, बताएं भाई सभी लोग, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये तो सब लोग देखते आ रहे हैं हम काफी सारे, हाँ ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं गलत हो रहा है स्टूडेंट, ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिपब्लिक डे पे मिलते हैं, जब परेड जब होती है उस टाइम पे अवार्ड जो होते हैं सारे रिपब्लिक डे पे। नेक्स्ट है आपका, विद हुम इज द भरत भारती अवार्ड रिलेटेड, भरत भारती जो अवार्ड है, भरत भारती पुरस्कार, वो किससे रिलेशन है इसका, स्पोर्ट्स से, ब्रेवरी से, लिटरेचर से या नन ऑफ द अबव, बताओ भाई सर, भरत भारती अवार्ड जो है, कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के काफी सारे, ठीक है, तो भरत भारती जो अवार्ड है ये आपका, ये साहित्य से है, लिटरेचर से, लिटरेचर से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, हु हैज बीन अवार्डेड एलजी नोबेल प्राइज 2020, ठीक है, काफी फेमस है ये, क्योंकि दूसरी बार मिला है, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था और ये सेकेंड टाइम मिला है, इस बार किसको मिला है, फॉर मेडिकल एजुकेशन के लिए, मतलब ये समझ लो कि चिकित्सा की शिक्षा के लिए किसको मिला है, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, ठीक है, रामविलास पासवान या रविशंकर प्रसाद, तो इनके क्या यूज किया था इन्होंने, किस लिए मिला था, तो कोविड 19 के ऊपर इन्होंने यूज किया था कि पॉलिटिशियन का जो होता है इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू साइंटिस्ट और डॉक्टर के, ठीक है, पॉलिटिशियन का इफेक्ट जो होता है इमीडिएट पड़ता है, बताओ भाई। हाँ, तो ये एलजी अवार्ड जो मिला है आपको, ऑप्शन नंबर बी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, और ये सेकंड है जिनको मिला है, फर्स्ट जो था आपका अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था फर्स्ट टाइम, ठीक है, एलजी अवार्ड। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड चिल्ड्रन प्रेजेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा मंत्रालय या संगठन देता है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, बताओ, भारतीय बाल कल्याण परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, यूनिसेफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे बात कर रही है नेशनल की बात हो रही है, ठीक है, नेशनल की, बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे एक बारी। तो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो है ये आपका देता है, ठीक है, यूनिसेफ तो फिर बात ही नहीं होगी, नेशनल आ गए यहाँ पे। अगला बात करेंगे, यहाँ बताना है आपको विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न अवार्ड, इनमें से किसको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला अभी तक, तो इजी क्वेश्चन है, अभी ट्विटर पे जो है इनके बर्थडे पे काफी कैंपेन चला था कि इनको भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, रतन टाटा या फिर अब्दुल कलाम, तो अभी काफी हुआ था कि इनको जो है अवार्ड मिलना चाहिए, इनके बर्थडे पे काफी ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुआ था ये, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रतन टाटा जो है, तो बाकी इन सबको मिला हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम को तो पहले ही 1997 में मिल गया था, ठीक है, भीमसेन जोशी को भी 2009 में मिल गया था और लता मंगेशकर को आपको जो है ये 2001 में मिल गया था अवार्ड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है पहली लेडी कौन सी है, नरगिस दत्त,
उमा देवी, ठीक है, सुलोचना देवी का रानी। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 1969 से स्टार्ट हुआ था और 1969 में ही इनको अवार्ड मिल गया था। ठीक है, 1969 में यहां तो लिखा हुआ है पहली महिला, अगर पहली महिला नहीं भी लिखा होता ना तब भी पहला सबसे पहला अवार्ड इनको मिला था 1969 में। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट बताना आपको, नवंबर 2020 में हु अमंग द फॉलोइंग हैव वॉन द 2020 बुकर प्राइज फॉर हिज डेब्यू नॉवल शगीबेन। जस्ट सभी आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन में, शगीबेन जो है इसके लिए किसको अवार्ड मिला है, डगलस स्टुअर्ट, अवनी दोषी, ठीक है, डायना कुक या फिर मदे मेंगिस्ट। तो बताया चुका हूं ये आपको मैंने, बुकर वगैरह बताए सारे डिस्कशन कर लिए हमने ऑलरेडी, पुलित्जर वगैरह नोबल वगैरह सब डिस्कशन किए हैं। तो डगलस स्टुअर्ट जो है इसका राइट आंसर है शगीबेन के लिए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन रिसीव्ड एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020। ऊर्जा आप लेट आए हो थोड़ा सा, ठीक है, नेवी के लिए बहुत ज्यादा इनफ है वैभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बताना है सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, पेटा इंडिया, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट और सबसे जो टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन होते हैं इजी से लेकर हार्ड तक मैंने सारे पिक कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसके साथ साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कशन करते हैं, आप सभी को पता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है डी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को कलिंगा प्राइज जो है, कलिंगा सम्मान इज गिवन इन विच फील्ड, लिटरेचर, जर्नलिज्म, आर्ट एंड साइंस। चलो मैं आपके कमेंट देखता हूँ कि कौन इसका सही आंसर देता है। अच्छा, गैस किया था, चलो बताओ भाई, डी 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 साइंस। ठीक है, तो यूनेस्को को कलिंगा पुरस्कार जो है, बिल्कुल मनीष गोविंदा, अमोल गोविंदा, आशीष बुर्जा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सबका ठीक है, आप लोगों का जिनके फोर्थ ऑप्शन मारा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, द अवार्ड गिवन द बेस्ट कोच अमंग द कोचेस ऑफ ऑल डिफरेंट गेम इज नोन एज। अच्छा, कोच को कौन सा अवार्ड दिया था आप ये बताना है आपको, द्रोणाचार्य अवार्ड, अशोक चक्र अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो फाल्के अवार्ड आपका फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब आपको पता है कि कोच सबसे ज्यादा कौन फेमस है, तो द्रोणाचार्य इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इस क्वेश्चन में, तो द्रोणाचार्य। ठीक है, अभी हमने डिस्कशन भी किया था, रोमेश पठानिया जो थे हॉकी के जो थे उनको मिल चुका है अवार्ड इस बार। ठीक, तो नोबेल प्राइज बताना है आपको, फर्स्ट बार किसको मिला था, फर्स्ट टाइम जो है कब दिया गया था आपको बताना है, 1976 में, 1958 में, 1901 में या फिर 1972 में। तो हेनरी हेनरी डोनाट को मिला था ये। ठीक है, अवार्ड, ये फाउंडर है रेड क्रॉस के। ठीक है, रेड क्रॉस के, जो रेड क्रॉस है उसके फाउंडर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता है कि बहुत पहले से मिलते आ रहे हैं, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। 1913 में तो अपने रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था, तो ऑप्शन ही देख के बता दोगे, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आपको बताना है इन दिसंबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन क्राउन्ड द अगलिएस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक स्पेशीज है जिसको ढूंढा गया है मेडागास्कर में, ढूंढा गया था मेडागास्कर में, तो बताना है आप। तो क्या क्या है इसमें, जियोडोरम रिकवरम, ठीक है, गैस्ट्रियोडा एग्निलिकस, ठीक है, बुल्कोफाइलम या फिर ई एपिगाइनोइडिस। बताओ, सारे गैस करने वाले हो मुझे पता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये अगलिएस्ट जो ऑर्किड है, ये एक स्पेशीज है जो ढूंढी गई थी। ठीक है, ये मेडागास्कर में ढूंढी गई थी एक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनको बताएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, मूर्ति देवी अवार्ड जो है, मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड, लिटरेचर, ड्रामा, डांस या म्यूजिक। किसमें दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड जो है, बताना है भाई। बताओ, मूर्ति देवी अवार्ड जो आपका लिटरेचर में दिया जाता है, ये अभी जो लास्ट टाइम दिया गया है विश्वनाथम करके एक लेडी है उनको दिया गया है। ठीक है, विश्वनाथ करके इनको मिला ये अवार्ड, मूर्ति देवी अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया जाता है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, यह बोला गया है स्टेट टूरिज्म, विच स्टेट टूरिज्म हैज वॉन
वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड, काफी फेमस चर्चा में रहा था भी ये वाला, स्टेट टूरिज्म के लिए अवार्ड मिला था, तमिलनाडु, केरला, गोवा या शिमला, ठीक है बताना है भाई आपको जी, बताएं भाई, मैं देख रहा हूँ आप लोग कमेंट सबके पढ़ रहा हूँ, लाइक कर देना भाई सभी स्टूडेंट, बताओ जिसका सही आएगा मैं वहीं पे बता दूं। हाँ जी सही आ चुका है यहाँ पे आंसर, शुभम दत्ता का आंसर ठीक आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुभम का ठीक आ गया, आई एम इंडियन का ठीक है, बोर्जा का भी ठीक है। केरला इज द राइट आंसर, इसको अवार्ड मिला है ठीक है वर्ल्ड टूरिज्म के लिए, लंदन का मार्ट का जो अवार्ड होता है ये केरला को मिला है आपका, ठीक है। तो ये आपका आज के सेशन का ये लास्ट आंसर था। अब जो लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे पीडीएफ के, तो आप एक काम कीजिए, देखो किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक होगा आपके पास, लिंक, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस पूरे सेशन में, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरीके के जितने भी स्टैटिक जीके के या जो पोर्शन आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है उसका हम डिस्कशन डेली करते हैं यहाँ पे 9 बजे, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाया करें हमारे साथ ताकि एग्जाम से पहले हम वो क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लें ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कवर करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे, ठीक है। और जितने भी मैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके एग्जाम से पहले सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आपको करा दूं, ठीक है। इसके नोट्स आप बना लेना जरूर याद से, ठीक है जरूर याद से नोट बना लेना, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं सारे कवर करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सभी लोग अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 9 बजे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।